आज हम मखाने से बहुत ज़्यादा डिलीशियस क्रंची और क्रिस्पी स्नैक्स बनाएंगे। इसको खाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जब भी आपको हल्की फुल्की भूख लगी हो तो आप इसे एक कटोरी खा लीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा इसके खाने के फ़ायदे भी मिलेंगे। बच्चे भी जब सुबह सुबह कुछ ना खा रहे हो, आप एक कटोरी दे दीजिए तो जब वो इसे खाएंगे तो इसकी पौष्टिकता भी उन्हें मिलेगी और उनका पेट भी इससे हल्का फुल्का भर जाएगा। और इसके खाने के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आशाज स्पेशल किचन। आज हम बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से स्नैक्स बना के तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 3 कप ये मखाने ले लिए। इसमें फैट बहुत कम होता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल रखता है, ब्लड प्रेशर भी हमारा हाई नहीं होने देता है। और अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो इसका आप डेली यूज़ कीजिए, आपका वेट भी काफ़ी हद तक लॉस हो जाएगा। और स्किन के लिए भी ये बहुत हेल्दी होता है। इसको डेली खाने से हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ और झाइयाँ भी काफ़ी हद तक नहीं पड़ती हैं। डायबिटिक पेशेंट अगर इसका यूज़ करते हैं तो उनका शुगर भी कंट्रोल में रहता है। तो आज हम मखाने के साथ और भी नट्स इसमें डालेंगे, उसके भी अपने अपने अलग फ़ायदे होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई को गैस के फ्लेम पे रख लेते हैं। इसमें हम 1 चम्मच घी डाल लेते हैं। आप चाहे तो इसी जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो घी को थोड़ा सा मेल्ट हो जाने देते हैं। इसमें हम मखानों को हल्का सा रोस्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ा सा डाला है। इससे थोड़ा सा हमारे जो मखाने बहुत क्रंची से और बहुत टेस्टी से लगते हैं। जब घी का फ्लेवर आता है ना मखाने में तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं मखाने। और इन मखानों को डालने के बाद हम इनको लो फ्लेम पर हल्का हल्का भूनते रहेंगे। इसको आपको हाई फ्लेम पर नहीं भूनना है, हाई फ्लेम पर भूनेंगे तो इसको जलने का डर रहता है। तो इसको आप लो फ्लेम पे ही लगातार चलाते हुए भूनिए। इन्हें रोस्ट करने में भी हमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, 2 से 3 मिनट में ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं, बहुत क्रंची बन जाते हैं। जब ये रोस्ट हो जाएं तो आप एक बार उंगली में इनको दबा के देखिएगा तो ये फूट जाएंगे, चूरा सा बन जाएगा। तो समझिए कि आपके जो मखाने हैं परफेक्ट तरीके से रोस्ट हो चुके हैं। मखाने जब अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं तो हमारे दांतों में भी नहीं चिपकते हैं। और 2 से 3 मिनट हो गए इन्हें रोस्ट करते हुए, तो मुझे लग रहा है कि मखाने हमारे अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। एक बार मैं इन्हें चेक कर लेती हूँ। तो देखिए, मैंने उंगली में लेके इनको फोड़ा है, कितने अच्छे से फूट जा रहे हैं, इनका चूरा बन जा रहा है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। दोबारा से मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया गैस की फ्लेम पर। इसमें मैंने दोबारा से 1 चम्मच घी डाल दिया। अब इसमें हम मूँगफली अपने जो है इनको रोस्ट करेंगे। तो देखिए, मैंने ये 1/2 कप मूँगफली ले लिए, इसको डाल के हमें धीमी धीमी आँच पर इसको भी भूनना है। मूंगफली खाने के भी अपने अलग ही फायदे होते हैं। डायबिटिक पेशेंट अगर रोज़ 1 मुट्ठी इसको खाता है, वैसे तो डायबिटिक पेशेंट को भिगो के खाना चाहिए, तो उसको काफ़ी फ़ायदा मिलता है इसे खाने से। आंखें भी हमारी इससे हेल्दी रहती हैं, हमारे बोन्स भी मजबूत बनते हैं। इसमें विटामिन, जिंक, ओमेगा 6, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम और विटामिन डी होता है। ये हमारी आँखों के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। अब देखिए, जो हमारी मूंगफली 2 से 3 मिनट बाद बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुकी है और इसमें अलग ही क्रंचीनेस आ रही है और इसमें खुशबू भी आने लग गई है। तो अब इसको भी हम कढ़ाई में से बाहर निकाल लेते हैं। और कढ़ाई में हमारे अभी घी बचा रह गया है, क्योंकि जो मूंगफली होती है ना वो घी को अब्जॉर्ब नहीं करती है। अब इसमें हम 1/2 कप बादाम डाल देते हैं। बादाम खाने के भी अपने अलग ही फ़ायदे होते हैं। बादाम का यूज़ तो डेली करना चाहिए और बच्चों को तो ज़रूर से इसे देना चाहिए। इससे दिमाग तेज़ होता है, याददाश्त शक्ति बढ़ती है। इसमें विटामिन ए, जिंक, मैग्नीशियम, फाइबर, प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, जिससे कि शरीर की कमजोरी जो होती है ना वो काफ़ी हद तक दूर होती है। और ये पाचन तंत्र को भी तेज़ करता है, इससे कैंसर और हार्ट जैसी प्रॉब्लम्स भी नहीं होती हैं। तो इसका यूज़ डेली करना चाहिए। देखिए, जब इस तरह से हम बादाम को रोस्ट करते हैं ना तो बादाम का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और बहुत टेस्टी सा लगता है। तो बच्चे वैसे बादाम ना भी खाते हो ना, रोस्ट करने के बाद जब आप उनको देंगे ना तो बड़े ही शौक से खाएंगे, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है रोस्ट होने के बाद। देखिए, अब ये भी रोस्ट हो चुके हैं। अब इसको भी हम कढ़ाई में से बाहर निकाल लेते हैं और इसमें हम आगे की चीज़ अब इसमें डालेंगे। तो देखिए, मैं अब इसमें किशमिश डालने जा रही हूँ। तो मैंने अब जो किशमिश लिया है वो मैंने 1/2 कप से भी थोड़ा सा कम लिया है। लगभग 1/2 कप भी आप ले सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा 1/2 कप से कम लिया है। इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, इसको तो 1 मिनट तक ही आप भूनिए, क्योंकि ज़्यादा भूनेंगे ना तो ये फूल सी जाएंगी और फिर उसके बाद वो अच्छी नहीं लगती हैं। तो हल्का सा आप इनको रोस्ट कीजिए, बहुत लाइट सा।
अब देखिए एक मिनट बाद ये जो किशमिश है ये भी हमारी अच्छे से रोस्ट हो गई। अगर आप इसमें काजू डालना चाहते हैं तो आप काजू को भी रोस्ट करके डाल सकते हैं, काजू भी बहुत टेस्टी लगते हैं। मैंने काजू का यूज़ नहीं करा है। अब इसको भी हम निकाल लेते हैं। और देखिए जो मैंने मखाने भून के रखे थे वो भी ठंडे हो गए और ये मैंने पॉट में इसमें डाल के रखे हुए हैं। अब देखिए इसमें हमने जो मूंगफली रोस्ट करके रखी है अब उसको भी हम इसमें मिला लेते हैं। जितने भी हमने नट्स रखे हैं इसमें हम मिक्स कर लेंगे। तो जो मूंगफली है इसको इसमें डाल लेते हैं और मूंगफली डालने के बाद इसमें हम डाल लेते हैं जो हमने बादाम रोस्ट करके रखे हैं उसको भी इसमें ऐड कर लेते हैं। इसके बाद हमने किशमिश भी रोस्ट करी है उसको भी इसमें ऐड कर लेते हैं। इन सभी चीज़ों को एक साथ हमें मिक्स कर लेना है। इन सभी चीज़ों को पॉट में डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना। तो इस तरह से हिलाते हुए मिक्स कर लीजिए, बहुत आराम से ये मिक्स हो जाएंगे। अब इसे मिक्स करने के बाद हम इसे थोड़ा सा चटपटा भी बनाएंगे। तो चटपटा बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डालने हैं क्योंकि इसे हमें हेल्दी भी बनाए रखना है। तो हेल्दी बनाए रखने के लिए इसमें बहुत हल्का सा मसाला डालेंगे जो कि हमें नुकसान ना पहुंचाए और ये हमारे स्नैक्स हेल्दी भी बने रहें। जब आपके बच्चे खाली पेट इधर उधर घूम रहे हों या पढ़ रहे हों तो आप उन्हें एक कटोरी भर के दे दीजिए, फिर आप देखिएगा उनको बहुत एनर्जी महसूस होगी, इसे खा के बहुत ही अच्छा होने लगेगा। तो आप इस तरह के स्नैक्स बना के रख लीजिए एक टाइट कंटेनर में और जब भी आपको खाना, आपके बच्चों को खाना, आप एक कटोरी लीजिए और खाइए और एंजॉय कीजिए। अब इसमें देखिए मैं एक चम्मच एक काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, छोटी चम्मच से एक चम्मच डाल रही हूँ। और काली मिर्च खाते हैं हम तो हमें नुकसान नहीं पहुँचाती है। और इसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं एक चम्मच चाट मसाला। चाट मसाला तो आपको पता है सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, इससे हमारे स्नैक्स चटपटे भी बन जाएंगे। अब इसमें हमें ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है, बस इतने मसाले काफ़ी हैं। इनको डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको एक टाइट कंटेनर में भर के रख लेंगे। जब भी मन चाहे आप निकालिए और खाइए। अगर आपने इस तरह से स्नैक्स कभी नहीं बनाए तो आप इन नट्स के इसी तरीके के स्नैक्स बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। आप देखिएगा आपको बहुत ज़्यादा ये पसंद आने वाले हैं और आपके बच्चे बार बार इसको बनवाएंगे और इसी की डिमांड करेंगे क्योंकि बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक का बटन दिया हुआ है, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है तो लाइक आप ज़रूर कीजिएगा। और आपको आज का वीडियो कैसा लगा है आप ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। आप इस स्नैक्स को कब बना रहे हैं आप ये भी मुझे बताइएगा। इसी तरीके के मेरे वीडियोज़ देखते रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा से हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।